Rifat is an ASHA worker in Central Kashmir's Budgam district. She has been working tirelessly as a frontline worker amidst the raging pandemic which shook the world in March 2020. Here was my COVID patient. मैं उसको डायरेक्ट लेकर यहाँ ही आ गई थी। आज मुझे ये भी देखना था कि वो नेगेटिव आया है कि नहीं। मुझे लगता है कि वो गया हॉस्पिटल ये टेस्ट करवाने कि अब क्या होगा। उसको 14 डेज हो गए। मैं उसको 3 बार यहाँ देखने आई हूँ। वो ठीक था लेकिन पहले पहले उसको बेहद फीवर था और उसकी छाती भी खराब थी। मैंने उसको मेडिसिन दिया है तो फिट हो गई। As the second wave hit the region, Rifat continued her work aiding the fight against the pandemic. She has to travel to far-flung areas, distant villages and deserted landscapes. She never stops. पिछले 15 साल से मैं एक आशा हूँ। पिछले 2 साल से हमारे साथ ये हुआ कि ना हमारे इंसेंटिव्स आए और ना हमारे एश्योर्ड्स आए। इंसेंटिव्स हमें काम हैं, सिर्फ हम तनख्वाह नहीं लेते, हमें तनख्वाह नहीं देते हैं। हम 10 काम करते हैं और हमें 2000 रुपये देते हैं उनमें। पहले देखते हैं कि ये 10 काम हुए या ना हुए। अगर ना काम हुए तो पैसे कट जाते हैं। हमें पेमेंट नहीं मिलते हैं, हम ऑनली एश्योर्ड इंसेंटिव्स पर काम करते हैं, ऑनली एश्योर्ड्स हमें मिलते हैं। तो पिछले 2 साल से वो भी बंद हुए हैं। हमने इतने बोला CMO साहब से, अपनी BMO मैम से, डायरेक्टर से, मिशन डायरेक्टर से, लेकिन कोई टेस्ट से मस्त नहीं हुआ। हमें बेहद सफ़र करवाते हैं। आपने खुद देखा है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना चलना पड़ता है इस धूप में। यहाँ आना पड़ता है इस फार फ्लंग एरिया में। यहाँ इतना डर है शेरों का, बालों का, कुछ मत पूछिए आप। हमें यहाँ तो पल्स पोलियो वैक्सीनेशन भी करवानी होती है, हमें यहाँ कोविड वैक्सीन करवानी होती है। जो भी हेल्थ की फैसिलिटी है वो मुझे यहाँ लानी पड़ती है। इस फार फ्लंग एरिया में आप देख सकते हैं कि कितना काम हम करते हैं। The grievances of ASHA workers have gone unheard, despite them continuing to perform their duty at the front lines of the COVID-19 pandemic. जब भी बोलते हैं जाओ तो निकलते हैं, मगर 2 साल से हमें कुछ नहीं मिला। कोविड वैक्सीन भी सब कुछ किया मगर पैदल ही जाना पड़ता है। ना कोई मास्क मिलती है हमें, ना कोई ग्लव्स मिलता है। बस हम आशाओं बस सिर्फ काम करते हैं। On June 12, scores of helpers under the Integrated Child Development Services Department held a protest demonstration on the streets of Srinagar's Press Colony, demanding salaries which have been pending for the last 3 years. आप उनके वेजेस देख लीजिए, वेजेस है नहीं। उनकी मांग क्या रही है आज तक कि भाई हमें वर्कर तस्लीम किया जाए। ये जो लेबर कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उन्होंने तजवीज़ पेश की है, जो स्कीमों में काम करने वाले हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, सुपरवाइजर्स और इसके अलावा मिड डे मील वर्कर्स भी, आशा वर्कर्स भी, भाई उनको वर्कर तस्लीम करके उनके लिए मिनिमम वेजेस मुकरर होने चाहिए। मिनिमम वेजेस आज इंसेंटिव मिल रहा है आशा वर्कर को कितना, कभी 1000, आज 2000, 1500, कभी हर महीने, कभी 3 महीने के बाद। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ इन हेल्पर टू सुपरवाइजर एसोसिएशन की। जी मेरा नाम नुजहत है। हम यहाँ से 1 साल हो गया हम यहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी सैलरी बंद है, हमारी सैलरी बंद है। ऊपर से हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट भी सैंक्शन हो जाए। तो आशा वर्कर जिसको
अपनी ज़िंदगी को संवारना है, बच्चों को पालना है, घर को चलाना है, ये तो 2000 खैरात भी नहीं है, ये भीग भी नहीं है। Rifat is one of the many ASHA workers who have been demanding a better remuneration for their work and the efforts they put in.